हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो वीडियो रहेगी ये डायरी एंट्री से रिलेटेड रहेगी, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो इस डायरी एंट्री में आपसे बोला गया है कि आपने कोई घटना आपने देखी थी, उसमें आप लोगों की मदद करी है, चाहे वो नेचुरल हो या मैनमेड हो। ठीक है, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से बाढ़ आ सकती है या कोई अर्थक्वेक आया है। मैनमेड का मतलब जो मनुष्य के द्वारा किसी वजह से, ठीक है, वो घटना घट गई है। जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे मनुष्य के द्वारा कोई आग लग गई, ठीक है, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बारे में। तो आपने जो है ना, किस तरीके से आपने कैसा महसूस किया या आपने क्या करा, तो वो आपको यहाँ पर बताना है, आपने कैसे हेल्प करी। ठीक है, तो इस जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये पेजेस हैं। ठीक है, ये मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया, ताकि आपको एक तरह से जब इसे पढ़ेंगे हिंदी में तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। यू हेल्प विक्टिम्स ऑफ अ नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर। आपने जो मदद करी है, नेचुरल हो सकती है, मैनमेड हो सकती है। ठीक है, आपको डायरी एंट्री लिखनी है आपने। ठीक है, अबाउट हाउ यू फेल्ट, कि आपने कैसा महसूस किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, फिर उसके बाद टाइमिंग लिखनी है कि आप कितने बजे लिख रहे हैं, फिर डियर डायरी, फिर स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पर आप। तो उसके बाद लिखेंगे आप, आई वॉज वेरी हैप्पी। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक आइडिया देने के लिए है। एज आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर्स होम, क्योंकि मैं अपनी जो दादी है ना, उनके घर जा रही थी या जा रहा था, फॉर स्पेंडिंग विंटर वेकेशन, मतलब सर्दियों की छुट्टियों को बिताने के लिए मैं कहाँ जा रहा था, अपनी दादी के घर जा रहा था। ठीक है, मैं खुश था इसलिए। बट सून माई हैप्पीनेस कन्वर्टेड इंटू डिलेमा, लेकिन मेरी जो खुशी है वो एकदम दुविधा में बदल गई कि क्या हो गया मेरे साथ। एज माई विलेज फेस फ्लड, क्योंकि मेरा जो गाँव है उसने किसको फेस करा, फ्लड को फेस करा, बाढ़ को फेस करा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नेचुरल डिजास्टर, ये एक प्राकृतिक आपदा थी। क्या हुआ, पार्ट ऑफ ग्लेशियर वॉज ब्रोकन डाउन, जो ग्लेशियर का जो एक पार्ट है ना, वो नीचे गिर गया। देखो, आपको पता होगा उत्तराखंड के अंदर ये घटना घटी थी, तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने लिखी है। विच फील्ड द रिवर, जिसने नदी को भर दिया विद मड, ठीक है, मड से भर दिया, एंड अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल से भर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे जो मटेरियल थे उसके अंदर आए। ठीक है, मिट्टी आई मेन है ना, और भी उसके अंदर जो चीजें थी, पेड़ वगैरह, इस तरीके से। देन द रिवर वॉज ओवरफ्लोइंग, फिर उसके बाद क्या हुआ, नदी जो है तेजी से बहने लग गई थी विद स्पीड, वो भी स्पीड से, विच रूइन अवर विलेज, हमारे पूरे गाँव को बर्बाद कर दिया, एंड टुक लाइफ ऑफ मैनी पीपल, बहुत से लोगों की लाइफ ले ली। ठीक है, उन्हें मार दिया। वी वर सेव्ड, हम सेव थे। इसी के आगे कंटिन्यू करना बच्चों, ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज पर आएगा। उसके बाद आई थैंक टू गॉड, मैंने भगवान को धन्यवाद कर, क्योंकि हम बच गए, है ना। आई हेल्प विक्टिम, मैंने जो विक्टिम थे ना उनकी मदद करी बाय प्रोवाइडिंग फूड, उनको खाना देकर, एंड शेल्टर, उनको घर भी दिया, मतलब वहां पे बनाया, इस तरीके से। आई ऑल्सो प्लेड विद ऑर्फन, मैं जो अनाथ बच्चे थे ना, मैंने उनके साथ खेला, सो दैट दे कुड कम आउट फ्रॉम ग्रीफ, ताकि वो जो दुख है ना, पता ना कितना दुख होता है किसी के जाने का, तो उससे वो बाहर निकल सके, मैंने उनकी मदद करी। आई ऑल्सो हेल्प आर्मी, मैंने आर्मी की मदद करी फॉर डिस्क्राइबिंग लोकेशन ऑफ माई विलेज, ताकि बताने के लिए भी गाँव की लोकेशन कैसे है वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था। वी शुड, उसके बाद मैंने लास्ट में लिखा कि हमें हमेशा जो है ना, जो नीडी पीपल है, पर्सन है, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। बस यहीं पे मैंने इसको एंड कर दिया। ठीक है, ये हिंदी में आप देख सकते हैं, पढ़ लेंगे थोड़ा सा, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में लिखने का ये था कि बस थोड़े से बच्चों का गाइडेंस मिल जाए, एक एक लाइन को अच्छे से देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो माइंड में जल्दी बैठ जाएगा। पहले हिंदी पढ़ के फिर इंग्लिश पढ़ना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। बस ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए लेकर आया था, मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए वैल्यूबल रहेगी। अगर आपका साथ रहा तो बहुत ऐसे ही वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, मोटिवेशन आप ही हो, आप ही दे सकते हैं, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बाय बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।